केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश भर में तीव्र आंदोलन चल रहे हैं। उसी के मद्देनजर नागपुर में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं द्वारा आंदोलन किया गया। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी और 30 से 40,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नहीं चलेगी। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ईडी के दलालों को झूठे मारो सालों को, अरे ईडी के दलालों को झूठे मारो सालों को। राहुल जी के सम्मान में पार्टी मैदान में राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जिस प्रकार से हिंदी या मराठी, जिस प्रकार से झंडे तो पकड़ो, झंडे नहीं पकड़ो, ये केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम लेके आई है, ये हम युवाओं के लिए धोखा है। जो युवा सेना में अपनी सर्विस करना चाहता है वो देश प्रेम के लिए जाता है, कोई पैसे के लिए नहीं जा रहा है, कोई नौकरी के लिए नहीं जा रहा है, वो देश प्रेम के लिए हमारी सेना में ज्वाइन होता है। वो ये मानता है कि मैं वहाँ पे जाके अपने लोगों को, अपने देशवासियों को वहाँ पे सुरक्षित रखूँगा। लेकिन जिस प्रकार से इनने ये अग्निपथ स्कीम लेके आए हैं, जिसमें 4 वर्ष ही बस युवाओं को वहाँ पे शामिल होने के लिए बोला गया है, ये 4 वर्ष में युवा क्या करेगा? उसके बाद अगर एक बार नौकरी लगने के बाद उसकी पूरी सर्विस खत्म होने के बाद उसके बाद उसका क्या भविष्य रहेगा? 23 साल में आप उसको ले रहे हैं भले, लेकिन 27 साल के बाद उसका क्या होगा, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। ये सरकार 3 दिन से देख रहा हूँ, 3 दिन से ये देश आग लगी हुई है पूरे देश। लाभदायी स्कीम बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या बोलेंगे? फिर देश क्यों नाराज है? हर जगह पे क्यों ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं? यहाँ पे देश में जिस प्रकार से बिहार में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, उत्तराखंड चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, हम भी यहाँ पे जो महाराष्ट्र की बटालियन है, जो महार बटालियन है, जो महाराष्ट्र से जितने बटालियन आते हैं, जो हमारे इधर यहाँ पे कितने दिनों से जो 2020 में जो भर्ती हुए उन लोगों को अभी तक नहीं लिए थे, वो यहीं पे बैठे थे, यहाँ से उठ के पैदल गए वो दिल्ली के लिए, अभी तक वो भर्ती नहीं किए, ये क्या स्कीम लेके आएंगे? इससे ये युवाओं को भटकाना चाहते हैं। जो युवा इस जो देश की सेवा के लिए, जो देश के लिए जान अर्पित करने के लिए वो वहाँ पे जाता है, कोई पैसे के लिए वो वहाँ पे नौकरी करने नहीं जाता है, और ऐसे चीज़ों के लिए हम उसके खिलाफ है। हमारी मांगनी यही है कि ये स्कीम इन्हें रद्द करनी चाहिए। देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं का पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत कर सेना भर्ती होने की तैयारी करते हैं, ऐसे में 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की अपील की है।
खारिज करने के लिए रखा गया है। ये स्कीम में जो सरकार बोल रही है कि 46,000 नौकरियां 4 साल में वो आर्मी नेवी और एयरफोर्स में देगी, पर 4 साल के बाद इसका क्या, 4 साल के बाद इसमें से सिर्फ 20-25% लोग आगे सिलेक्ट होंगे, तो फिर बाकी बचे हुए 75% लोगों का क्या, मतलब 46,000 में से 11,000 लोग आगे जाएंगे, 35,000 लोग क्या करेंगे, उनका जो करियर का सबसे मेन टाइम रहता है जो 4 साल रहता है 18 से 22 के, आप उसमें उनको आर्मी की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद वो क्या, वो तो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे ना। तो इसके खिलाफ हम सरकार से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये स्कीम अपने रद्द की जाए, क्योंकि ये सिर्फ वो 11,000 लोगों के भविष्य का सवाल नहीं है, ये सवाल ये चीज़ का कि जो लोग 5-10 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, उम्र के 10-11 साल से लोग आर्मी में जाने की आशा रखते हैं, उस प्रकार उस चीज़ से मेहनत करते हैं, उनका क्या, अगर कोई वो 25% में सिलेक्ट नहीं हो पाया मेहनत करने का, उसका क्या, वो तो टूट जाएंगे, वो आगे फिर क्या करेंगे, 22 साल के बाद आप कैसे क्या नए फील्ड में जा सकते, कैसे क्या नया करियर कर सकते। तो हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से कि आप ये स्कीम रद्द करें।